हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। 95% लोग तो जानते ही नहीं कि आखिर जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग महंगी दवाइयों के कारण अपना इलाज ही नहीं कराते हैं या फिर इलाज को बीच में ही रोक देते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी और जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अगर आपने डिटेल में जाना तो आपका दवाइयों पर हो रहे खर्च को ये 6 से 7 गुना तक कम कर देगी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये जेनरिक मेडिसिन क्या है, ये इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं, इनको हमें यूज करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो ये हमको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये दोनों टैबलेट कैल्शियम की टैबलेट हैं, इसका नाम शेलकाल है और यह है फिपकाल। यह एक पेटेंट टैबलेट है, वहीं ये एक जेनरिक डिवीजन की टैबलेट है। यह टैबलेट मार्केट में आपको 7 रुपए की एक टैबलेट मिलेगी, वहीं ये 1 से 2 रुपए की एक टैबलेट मार्केट में मिल जाएगी। दोनों कैल्शियम की टैबलेट है, दोनों में कैल्शियम एंड विटामिन D3 पड़ा हुआ है। इन दोनों में सेम क्वांटिटी की कैल्शियम पड़ी हुई है, दोनों बिल्कुल सेम है, क्वालिटी क्वांटिटी सेफ्टी सब में सेम है। लेकिन ये जेनरिक टैबलेट है जिसकी वजह से ये इतनी सस्ती है, ये पेटेंट है तो ये इतनी महंगी है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दोनों कैप्सूल गैस के हैं, इसका नाम पेंटोप है, वहीं इसका नाम पेंटोबॉक है। दोनों गैस के कैप्सूल हैं, दोनों में पेंटोप्रोजोल और डैम्पोरिडॉन फार्मूला पड़ा हुआ है। ये कैप्सूल मार्केट में आपको 13 से 14 रुपए का, वहीं आपको ये मार्केट में 3 से 4 रुपए का एक कैप्सूल मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जेनरिक और पेटेंट में कितना बड़ा डिफरेंस है। दोनों गैस के कैप्सूल है, दोनों का सेम काम रहता है। तो बात करते हैं कि आखिर ये जेनरिक मेडिसिन क्या है और ये इतनी सस्ती क्यों मिलती है। जब कोई कंपनी किसी केमिकल पर रिसर्च कर रही होती है और वह पर्टिकुलर बीमारी की एक एग्जैक्ट मेडिसिन की खोज करती है, तो उसको ये पेटेंट हक मिल जाता है कि जब तक उसका ये केमिकल स्टडी में रिसर्च में जितना खर्चा हुआ है वह पूरा ना कर ले। जब उसका ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब बाकी कंपनियों को ये परमिशन मिल जाती है कि वह मार्केट में इसकी डुप्लीकेट कॉपी ला सकती है। तो इन्हीं दवाओं को जेनरिक दवा कहा जाता है। ये दवा इसीलिए इतनी सस्ती होती है कि इन दवाओं पर कोई रिसर्च नहीं की जाती है, कोई केमिकल स्टडी नहीं हुई होती है। यह दवा पेटेंट की एक तरह से कॉपी कर ली जाती है, जिसकी वजह से इस दौरान हो रहे खर्चे को बचा लिया जाता है। और साथ ही साथ ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा टैक्स फ्री होती है, जिसकी वजह से ये इतनी सस्ती मिल जाती है। तो बात करें कि आखिर ये टैबलेट हमको यूज करनी चाहिए कि नहीं, तो दोस्त बिल्कुल करनी चाहिए। ये टैबलेट क्वांटिटी क्वालिटी सेफ्टी यूजेज डोजेज सब में सेम रहती है, हालांकि इन टैबलेटों का साइड इफेक्ट भी पेटेंट की तरह सेम रहता है। तो बात करें कि आखिर ये टैबलेट हमको कहाँ और कैसे मिलेंगी। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट रिकमेंड करता है, तो आप केमिस्ट वाले से पूछिए कि आखिर इन टैबलेटों में क्या साल्ट पड़ा हुआ है, वह आपको बताएगा। और उससे बोलिए कि आप इसी साल्ट की हमको जेनरिक टैबलेट दे दीजिए। अगर उसके पास उस फॉल्ट की जेनरिक टैबलेट होगी तो वह आपको दे देगा, और अगर नहीं है तो आप वही फॉल्ट को लेकर अपने आसपास के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जा सकते हैं। ये सरकारी मेडिकल है, यहाँ आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाएंगी। आप वह फॉल्ट वहाँ पे दिखाइए, आपको उस फॉल्ट की मेडिसिन निकाल के दे देगा, और डॉक्टर ने जिस तरह आपको बताया आप उस तरह खा सकते हैं। ये टैबलेट आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी। तो बात करें कि कैसे पहचाने कि कौन सी टैबलेट जेनरिक है, कौन सी पेटेंट। देखिए, जिन दवाओं पर पर्टिकुलर नाम नहीं पड़ा होता है उन दवाओं को जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल की टैबलेट है, अगर वह मार्केट में आपको पैरासीटामोल नाम से ही मिल रही है तो वह जेनरिक मेडिसिन होती है। और यही टैबलेट को अगर आपको डोलो कैल्पोल क्रोफिन इन जैसे ब्रांड नेमों से बेचा जाता है तो यह पेटेंट मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ कुछ बड़ी कंपनियाँ होती है जैसे कि मैनकाइंड सिप्ला एल्केम अरिस्टो, तो यह कंपनियाँ अपनी एक जेनरिक डिवीजन भी निकालती हैं जिसमें वह अपनी जेनरिक टैबलेटों को भी मार्केट में उतारती हैं। जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम की टैबलेट दिखाई थी फिपकाल, यह टैबलेट सिप्ला कंपनी की जेनरिक डिवीजन की टैबलेट है। यह टैबलेट जेनरिक होने के कारण ये इतनी सस्ती मिल जाती है। तो बात करें कि आखिर ये टैबलेटों की मार्केट इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं होती है, तो आपको बता दें ये ब्रांडेड जो कंपनियाँ होती हैं वह अपने ब्रांड पर एडवर्टाइजमेंट पर डॉक्टरों पर काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से कभी जेनरिक टैबलेटों को मार्केट में इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग इन टैबलेटों के बारे में नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आप जेनरिक टैबलेटों के बारे में जान चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।